स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी से संबंधित हैं और ये टॉपिक पॉपुलेशन जो इंटरैक्शंस हैं उस इंटरैक्शन का एक सब टॉपिक है। तो आज हम कंपटीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे बेसिकली। तो कंपटीशन क्या है पहले ये समझेंगे। तो जब हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जब इंटरैक्शंस जो होती हैं वो इंटरैक्शंस बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, पॉजिटिव इंटरैक्शन, नेगेटिव इंटरैक्शन और न्यूट्रल इंटरैक्शन। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है कंपटीशन, ये एक नेगेटिव इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है, ये एक प्रकार की नेगेटिव इंटरैक्शन है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन टू ऑर्गेनिज्म, जब दो ऑर्गेनिज्म हैं या दो स्पीशीज हैं वो कंपीट करे सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, जैसे फूड हो सकता है, हैबिटेट हो सकती है, मेटिंग पार्टनर हो सकते हैं। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज दे विल नेगेटिवली अफेक्ट टू ईच अदर, दैट काइंड ऑफ इंटरैक्शन इज कंपटीशन। तो क्या डेफिनेशन दी, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, कि उनके रिसोर्सेज सेम हैं, सिमिलर हैं। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, फूड हो सकता है, हैबिटेट हो सकती है, मेटिंग पार्टनर हो सकता है। तो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए जब वो कंपीट करते हैं तो वो एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, इसी इंटरैक्शन को नेगेटिव इंटरैक्शन कहा जाता है। अगर हम नेगेटिव इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करें तो इसे दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए नेगेटिव साइन, यानी ऑर्गेनिज्म वन जो है उसको भी नुकसान हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म सेकंड है उसको भी लॉस हो रहा है। तो दोनों के लिए हम इसे नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये जो कंपटीशंस हो रहे हैं या ये जो इंटरैक्शन है ये दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट कैटेगरी है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या मतलब है इसका, कि जब कंपटीशन एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच हो, यानी ये ऑर्गेनिज्म वन, ये ऑर्गेनिज्म टू, एंड बोथ आर बिलोंग टू सेम स्पीशीज, दैट काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब जो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो रीजन होता है इसका वो है फूड, कि जब दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं तो उनके जो फूड रिसोर्सेज हैं वो भी सेम होंगे। दोनों हर्बीवोरस हो सकते हैं, दोनों कार्निवोरस हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशंस होंगे दे आर फॉर द फूड रिसोर्सेज, फूड के लिए
दोनों ऑर्गेनिज्म कंपीट करेंगे। सेकंड बात की है हमने हैबिटेट की, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं तो एक कॉमन एरिया में, कॉमन हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे। तो दूसरा रीजन हो सकता है हैबिटेट या स्पेस के लिए वो आपस में कंपीट करें। तीसरा, मैटिंग पार्टनर के लिए, कि रिप्रोडक्शन के लिए मैटिंग पार्टनर के लिए भी ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है। तो पहले प्रकार के कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, ये एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में होते हैं। और ऐसे कंपटीशन के ये रीजंस हो सकते हैं, दे कंपीट फॉर फूड, दे कंपीट फॉर हैबिटेट एंड दे कंपीट फॉर मेटिंग पार्टनर। तो ये रीजंस हमने डिस्कस की। दूसरे प्रकार के जो कंपटीशन है, इट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस क्या है, कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में होते हैं। ये मेंबर मान लो स्पीशीज वन का है, ये मेंबर मान लो स्पीशीज टू का है। तो इन डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच जो कंपटीशन होंगे उन्हें हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। अब जो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशंस हो रहे हैं उनके रीजन क्या है, हो सकता है उन डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनकी फीडिंग हैबिटेट सेम हो, तो फूड के लिए कंपटीशन हो सकता है। जैसे एक ग्रासलैंड में रैबिट भी है और डियर भी है, बोथ आर हर्बीवोरस, तो वे भोजन के लिए, फूड के लिए कंपीट कर सकते हैं। दूसरा है हैबिटेट, दोनों एक्वेटिक हो सकते हैं, दो स्पीशीज हैं दोनों ही एक्वेटिक हैं, तो हैबिटेट के लिए भी वो कंपीट कर सकती हैं। जनरली मेटिंग पार्टनर के लिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस नहीं होते, बट रेयरली मेटिंग पार्टनर के लिए भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पीशीज के मेंबर्स मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं, तो एक स्पीशीज के मेल ऐसा समझते हैं कि जो फीमेल है वो उनकी ही स्पीशीज की है, जबकि वो दूसरी स्पीशीज की फीमेल होती है। तो ऐसी कंडीशन में मेटिंग पार्टनर के लिए भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस हो सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कंपटीशन क्या है, तो एक प्रकार का नेगेटिव इंटरैक्शन है। और कंपटीशन दो प्रकार के हमने बताए, पहले इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरे इंटर स्पेसिफिक। और हमने डिस्कस किया कि कंपटीशंस के रीजन क्या होते हैं, तो थ्री रीजंस भी हमने डिस्कस किए जिसके कारण कंपटीशंस होते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जाइगोट से होती है, युग्मनज से। तो जाइगोट से लेकर डेथ तक एक ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से कंपीट करता है, फिर अपने आसपास जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनसे कंपीट करता है। तो कंपटीशन जाइगोट स्टेज टू टिल डेथ तक कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ कंपटीशन। तो मैंने यहां पर ब्लैक बोर्ड पर कंपटीशन के फोर मॉडल्स रिप्रेजेंट किए हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले प्रकार का जो मॉडल है उसका हमने नाम दिया है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि मान लो हम एक एग्जांपल लें कि
एक स्पीशीज ए है मान लो, वो फ्रॉग है, दूसरी स्पीशीज बी जो है वो लिजर्ड की है। अब इन दोनों में क्या क्वालिटी है कि स्पीशीज ए यानी फ्रॉग, स्पीशीज बी यानी लिजर्ड, ये दोनों ही स्पीशीज इंसेक्ट को अपने फूड रिसोर्स के रूप में काम में लेती है। बोथ आर इंसेक्टिवोरस। तो ऐसी कंडीशन में स्पीशीज ए और बी डायरेक्ट फाइट करेगी और डायरेक्ट फाइट करके कंपटीशन करेगी उस फूड रिसोर्स के लिए। तो ऐसे कंपटीशन को हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। यहां तक ठीक? तो इंटरफेरेंस में दो डिफरेंट स्पीशीज हैबिटेट, मेटिंग पार्टनर और फूड के लिए आपस में कंपीट करती है, और वो कंपटीशन जो है उनके बीच में वो डायरेक्ट कंपटीशन है, वो फाइट करते हैं आपस में, और इस प्रकार के कंपटीशन को हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने एक सिंपल साइन के द्वारा इंटरफेरेंस मॉडल को रिप्रेजेंट किया है। स्पीशीज वन को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, स्पीशीज टू को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पर हमने स्ट्रेट लाइन वाला एरो रिप्रेजेंट किया है। इस रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन एरो का मीनिंग है कि ये जो दोनों स्पीशीज हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो यहां पर ए और बी के बीच में जो एरो बना है उनके ऊपर हमने माइनस का साइन, नेगेटिव साइन यूज में लिया, मतलब इस इंटरेक्शन से, इस कंपटीशन से स्पीशीज ए को भी नुकसान हुआ और स्पीशीज बी को भी लॉस हुआ। तो इस प्रकार हम इंटरफेरेंस मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो मॉडल है एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन क्या है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किसी बड़े ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डियर प्रेजेंट है और रैबिट प्रेजेंट है, बोथ आर हर्बीवोरस, दोनों का फूड रिसोर्स ग्रासेस है, लेकिन डियर और रैबिट डायरेक्टली कभी फाइट नहीं करते, फाइट नहीं करेंगे, और क्या करेंगे कि डियर है वो उस ग्रासलैंड में किसी पर्टिकुलर पार्ट में फीडिंग करेगा जबकि रैबिट किसी दूसरे पार्ट में फीडिंग करेगा। तो उनके रिसोर्सेज तो सेम है लेकिन वो उन रिसोर्सेज के लिए आपस में फाइट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे कि उन्होंने एरिया अलग अलग कर लिए फीडिंग के। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कुछ इंसेक्टिवोरस स्पीशीज की बात करें, वो इंसेक्ट को फीडिंग, इंसेक्ट को भोजन के लिए काम में लेते हैं, तो एक स्पीशीज डे टाइम में तो दूसरी स्पीशीज नाइट टाइम में, एक हो सकती है अपर लीफ से प्लांट की वहां से भोजन ले ले, दूसरी लोअर लीफ के इंसेक्ट्स को भोजन के लिए ले ले। तो ऐसे कंपटीशन को एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर इसका हम मॉडल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन को हम किस प्रकार मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो ये एक स्पीशीज वन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, स्पीशीज टू को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, ये इनका रिसोर्स है जिस पर ये डिपेंड है। तो कॉमन रिसोर्स है स्पीशीज ए के लिए और स्पीशीज बी के लिए। अब यहां पर स्पीशीज ए मान लो डे टाइम में रिसोर्स को यूज लेती है, बी माना कि नाइट टाइम में रिसोर्स को यूटिलाइज करती, या ऐसा कह दें स्पीशीज ए हैबिटेट के किसी पर्टिकुलर पार्ट में रहती है, बी उस हैबिटेट के किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में रहती है। तो ऐसे में रिसोर्स के लिए
स्पीशीज ए और बी कंपीट तो कर रही है, लेकिन इनमें डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, इसलिए हमने इस कंपटीशन को, एक्सप्लॉयटेशन को डॉटेड एरो के द्वारा प्रेजेंट किया है। अगर स्ट्रेट होता तो डायरेक्ट कंपटीशन होता, डॉटेड है इसका मतलब इनडायरेक्ट कंपटीशन है। अच्छा, रिसोर्स ए ने आर को यूज में लिया तो ए को प्रॉफिट हुआ, आर को नेगेटिव नुकसान हो रहा है। सेम बी भी उसी रिसोर्स को यूज में ले रही है तो बी को प्रॉफिट हो गया, आर को हार्म हो गया। तो इस प्रकार एक्सप्लॉयटेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इंटरफेरेंस और एक्सप्लॉयटेशन दो प्रकार की जो कंपटीशन के मॉडल है वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे प्रकार का जो कंपटीशन है वो थोड़ा स्पेशियल टाइप का है, इसे हम अपेरेंट कंपटीशन कहते हैं। क्या है ये? कि ये कंपटीशन सिमिलर टाइप के प्रेडेटर उसके कारण होता है, कि दोनों स्पीशीज का जो प्रेडेटर है वो कोई कॉमन है, तो दोनों का कॉमन प्रेडेटर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्पीशीज ए ने अपने नंबर को इंक्रीज किया, जबकि जो स्पीशीज बी है, सेकंड स्पीशीज है, उसने अपने नंबर में कोई इंक्रीज नहीं किया। तो क्या हुआ? स्पीशीज ए के नंबर इंक्रीज करने से उस हैबिटेट से स्पीशीज बी एलिमिनेट हो गई, वहां से गायब हो गई, विलोपन हो गया उसका। तो ऐसी स्थिति में जो ये कंपटीशन हुआ इसे हम अपेरेंट टाइप कंपटीशन कहते हैं। ये एक स्पेशियल टाइप का कंपटीशन है और ये उस कंडीशन में हुआ जब दोनों जो स्पीशीज कंपीट कर रही हैं उनका एक कॉमन प्रेडेटर प्रेजेंट है वहां पर। समझते हैं इसको अपेरेंट टाइप कंपटीशन को। मान लो यहां पर स्पीशीज वन है वो ए है, स्पीशीज टू है वो बी है, और इन दोनों का एक कॉमन प्रेडेटर, कॉमन शत्रु है यहां पर। अब ये प्रेडेटर जो है वो इस हैबिटेट में आता है या प्रेजेंट है, तो स्पीशीज ए और बी दोनों के मेंबर्स को अपने भोजन के लिए काम में लेता है। अब ऐसी स्थिति में स्पीशीज ए ने क्या किया, अपने नंबर को इंक्रीज कर दिया, लेकिन स्पीशीज बी ने अपने नंबर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मान लो पहले ए के भी 100 मेंबर थे, बी के भी 100 मेंबर थे, प्रेडेटर मान लो हाइपोथेटिकली माने कि वो 20 प्रे को अपनी फीडिंग के लिए काम में लेता था, जब दोनों के 100 थे तो 10 इसके यूज में लेता था और 10 इसके यूज में लेता था। अब मान लो ए ने अपना नंबर बढ़ाया और इसका नंबर इंक्रीज होकर 1000 हो गया, और इसने अपना नंबर इंक्रीज नहीं किया, वो अभी भी 100 है। ऐसी कंडीशन में प्रेडेटर आया, दोनों के मेंबर्स उसने डिस्ट्रॉय किए, जब ये इक्वल थे तो 10-10 यूज में ले रहा था, अब इसके 100 है तो इसके तो 10 यूज में लिए, इसके 1000 हुए तो इसके 100 मेंबर्स इसने फीडिंग के लिए काम में ले लिए, तो रिमेनिंग इसके 900 बचे, इसके 90 बचे। अब इसने 900 से फिर इंक्रीज किया और अपने मेंबर बढ़ा के 10,000 कर दिए, लेकिन अभी इसने अपने नंबर इंक्रीज नहीं किए, अभी भी 90 है। फिर प्रेडेटर आया और उसने इनके मेंबर्स खाने स्टार्ट किए, तो इसके 10 यूज किए तो अब इसके वो 1000 यूज कर लेगा, लेकिन इसके तो 10,000 थे, तो अभी भी इसके 9,000 मेंबर बचे हुए हैं, जबकि इसके अब केवल 80 बचे। तो ऐसा जब चलता जाएगा तो एक कंडीशन आएगी, स्पीशीज बी एलिमिनेट हो जाएगी इस कंपटीशन के कारण। और वो क्यों कंपटीशन हुई? कि कॉमन प्रेडेटर के कारण एक स्पीशीज ने अपना नंबर इंक्रीज किया तो दूसरी स्पीशीज वहां से एलिमिनेट हो गई। तो यहां पर भी कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो मैंने ए और बी के बीच में डॉटेड लाइन बनाई है,
यहां पर प्रेडेटर को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो ए और बी को खा रहा है, तो उसके एरो के ऊपर पॉजिटिव है। ए और बी को इस प्रेडेटर से नुकसान हो रहा है, इसलिए उनके एरो के नीचे माइनस का निशान है। तो ये तीसरे प्रकार का कंपटीशन का मॉडल था जिसे हमने अपेरेंट टाइप कंपटीशन नाम दिया है। और ये कंपटीशन स्पेशियल टाइप का है, ये तब होगा जब दोनों स्पीशीज का जो प्रेडेटर है वो कॉमन है, और कॉमन होने के कारण एक ने अपना नंबर इंक्रीज किया और उसका अफेक्ट हुआ कि दूसरी स्पीशीज एलिमिनेट हो गई। चौथे प्रकार का जो कंपटीशन है वो स्पेशियल टाइप का है, उसका नाम है कीस्टोन प्रीडेशन। क्या है कीस्टोन प्रीडेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि इस प्रकार के कंपटीशन में क्या है कि प्रेडेटर ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज को अपने भोजन के रूप में काम में लिया, जिसके कारण एक स्पीशीज वहां से कंप्लीटली रिमूव हो गई और उसके कारण जो दूसरी स्पीशीज थी उसके नंबर में इंक्रीमेंट हो गया। इसे हम कीस्टोन प्रीडेशन के नाम से जानते हैं। समझते हैं यहां पर कि स्पीशीज वन है उसको ए नाम दिया, स्पीशीज टू को बी नाम दिया, और ये कोई प्रेडेटर है। ये प्रेडेटर ने क्या किया कि स्पीशीज ए को यहां से रिमूव कर दिया, तो उसके कारण अब रिसोर्सेस सब किसके लिए रह गए, बी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में बी के नंबर में अचानक से इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गई। ऐसे इंटरेक्शन को कीस्टोन प्रीडेशन कंपटीशन कहा जाता है। तो यहां पर ए है, प्रेडेटर ने इसको यूज में लिया, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, प्रेडेटर को प्रॉफिट हुआ, प्रेडेटर ने इसको रिमूव कर दिया यहां से। तो ऐसी कंडीशन में बी के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट किसके कारण हुआ कि इसकी स्टोन प्रेडेटर के कारण। तो हमने इसके कारण प्रीडेटर को, प्रीडेटर की स्टोन के कारण बी के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन से प्लस दिखाया, बी को प्रॉफिट हुआ। ए और बी के बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन है, नेगेटिव साइन से हमने इसको दिखाया है। तो यहां पर ये चार प्रकार के कंपटीशन के मॉडल हमने डिस्कस किए, इंटरफेरेंस क्या है, एक्सप्लॉइटेशन क्या है, अपेरेंट टाइप कंपटीशन क्या है, और कीस्टोन प्रेडेशन कंपटीशन क्या है। तो कुछ एग्जांपल से हमने इसे समझने का प्रयास किया आज। आई थिंक आज का जो लेक्चर था कंपटीशन आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम कंपटीशन का एक मॉडल है जिसका नाम है लॉर्ड का, उस कंपटीशन के मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उस मॉडल को नाम दिया गया है लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल। तो कल हम लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वो मॉडल हमें समझाता है कि अगर दो स्पीशीज हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने हैबिटेट में ग्रो करती है तो उनका ग्रोथ रेट और पैटर्न कैसा होगा, और जब वो स्पीशीज एक कॉमन हैबिटेट में आ जाती हैं और उनमें कंपटीशन होने लगते हैं तो उनमें उनके ग्रोथ पैटर्न में, ग्रोथ रेट में क्या चेंजेस आते हैं, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।